नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अपने इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की जनता को समझना होगा कि उपद्रव से शांति और संपन्नता नहीं आ सकती। सरकार पर देश को आर्थिक बदहाली में पहुंचाने का आरोप लगाने वाली श्रीलंकाई जनता खुद भी संसाधनों को जिस तरह नुकसान पहुंचा रही है वह सरासर गलत है। आगजनी और तोड़फोड़ से श्रीलंका को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में दशकों लग जाएंगे। पूरी दुनिया में श्रीलंका ही ऐसा देश है जहां जनता सरकारी बसों को फूंकने के बाद उसके साथ सेल्फी लेने भी पहुंच रही है। इस बीच संसदीय राजनीति का 45 वर्ष का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ नेता रानिल विक्रम सिंघे को देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के लिए देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही महिंदा राजपक्षे को हिंसक झड़पों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके चलते श्रीलंका में 3 दिन तक कोई सरकार नहीं थी और जब सरकार ही नहीं थी तो जनता ने भी जमकर उपद्रव मचाया। अब देखना होगा कि विक्रम सिंघे को जिन उम्मीदों के साथ लाया गया है क्या वह उस पर खरा उतर पाते हैं। फिलहाल तो सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना विपक्षी समगी जन बाला वेगाया के एक धड़े और अन्य कई दलों के सदस्यों ने संसद में विक्रम सिंघे के बहुमत साबित करने के लिए अपना समर्थन जताया है। हालांकि कई वर्ग नए प्रधानमंत्री के रूप में विक्रम सिंघे की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। देखा जाए तो विक्रम सिंघे की दूरदृष्टि वाली नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था को संभालने वाले नेता के तौर पर व्यापक स्वीकार्यता है। उन्हें श्रीलंका का ऐसा राजनेता माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जुटा सकते हैं। वकील से नेता बने विक्रम सिंघे ने अगस्त 2020 में हुए आम चुनाव में अपनी यूनाइटेड नेशनल पार्टी यानी यूएनपी के हारने और एक भी सीट नहीं जीत पाने के लगभग 2 साल बाद उल्लेखनीय रूप से वापसी की है। भारत के करीबी माने जाने वाले 73 वर्षीय नेता विक्रम सिंघे को श्रीलंका का 26वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। विक्रम सिंघे भले पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हों लेकिन इस बार की उनकी पारी सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। यदि वर्तमान हालात से उन्होंने श्रीलंका को उबार लिया तो वह अमर हो जाएंगे। बस जरूरत है उन्हें टिक कर काम करने दिया जाए। उनकी नियुक्ति ने श्रीलंका में राजनीतिक शून्यता को तो भर दिया है लेकिन देखना होगा कि जो खजाना है क्या उसमें जो शून्यता आ गई है उसको वो भर पाते हैं या नहीं। हम आपको बता दें कि 3 दिन तक श्रीलंका में तब से सरकार नहीं थी जब राष्ट्रपति गोटबाया के बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने समर्थकों द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला किए जाने से भड़की हिंसा के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। विक्रम सिंघे ने अपने 4.5 दशक के राजनीतिक करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनकी पार्टी यूएनपी देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो 2020 के संसदीय चुनाव में एक भी सीट जीतने में विफल रही थी। 1977 के बाद यह पहली बार हुआ जब उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। यूएनपी के मजबूत गढ़ रहे कोलंबो से चुनाव लड़ने वाले विक्रम सिंघे खुद भी चुनाव हार गए थे। बाद में वह सकल राष्ट्रीय मतों के आधार पर यूएनपी को आवंटित राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद पहुंच सके थे। हम आपको बता दें कि श्रीलंका के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति जूनियस जयवर्धने ने के भतीजे विक्रम सिंघे को राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास की हत्या के बाद पहली बार 1993-94 तक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वह 2001 से 2004 तक भी प्रधानमंत्री रहे जब 2001 में संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ने आम चुनाव जीता था लेकिन चंद्रिका कुमार तुंगा द्वारा जल्द चुनाव कराए जाने के बाद 2004 में उन्होंने सत्ता खो दी थी। विक्रम सिंघे ने 2015 के चुनाव में महिंदा राजपक्षे को करारी शिकस्त दी थी और अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया था। वर्ष 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिसेना ने प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे को बर्खास्त कर दिया और महिंदा राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सिरिसेना के इस कदम से देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। हालांकि उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने राष्ट्रपति सिरिसेना को विक्रम सिंघे को बहाल करने के लिए मजबूर कर दिया जिससे राजपक्षे का संक्षिप्त शासन समाप्त हो गया। श्रीलंका को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद 1949 में जन्मे विक्रम सिंघे 1977 में 28 साल की उम्र में संसद के लिए चुने गए थे। वह विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान यूनाइटेड नेशनल पार्टी की यूथ लीग में शामिल हो गए थे। उस समय श्रीलंका में सबसे कम उम्र के मंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति जयवर्धने के अधीन उप विदेश मंत्री का पद संभाला था। बहरहाल श्रीलंका में नई सरकार बनने के बाद भी पिक्चर अभी बाकी है वाला डायलॉग फिट बैठता है।
क्योंकि देश की जनता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भी इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन राष्ट्रपति किसी तरह अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। उन्होंने नई सरकार को राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने और संसद को ज़्यादा शक्तियां प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार पेश करने के लिए कहा है। देखना होगा कि श्रीलंका में यह सब कवायद जनता का समर्थन हासिल कर पाती है या नहीं, और वहाँ राजनीतिक एकता स्थापित हो पाती है या नहीं। श्रीलंका के जो मसले हैं उसका हल इस देश को खुद एकजुट होकर निकालना होगा। दुनिया श्रीलंका की सिर्फ मदद कर सकती है, लेकिन रास्ता खोजने और पहल करने की कवायद खुद श्रीलंका को करनी होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।